हमारे उम्मत को जहन्नम में देखा या ये देखा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को मजबूरन अर्ज करना पड़ता है, या रसूल अल्लाह मैंने भी आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा, कसम खुदा के मुसलमानों, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जुबान से इतना सुनना था कि नबी की आंखों से सैलाब आ जाता है, नबी का कान बेकान बदल जाता है, नबी का चैन बेचैन बदल जाता है, मदीने की गलियों में सुना छा जाता है। जब एक सहाबी रसूल को पता चलता है तो सहाबी रसूल ढूंढना तलाश करना शुरू करता है, जो मदीने की गलियों में छान डालते हैं, लेकिन नहीं मिलते। जब नहीं मिलते तो सहाबी रसूल रोते रोते जंगल में पहुंच जाता है, तो जंगल में एक चरवाहा बकरियां चराया करता है, तो चरवाहे से सहाबी रसूल ने पूछा, ये चरवाहे ये तो बता, क्या हमारे नबी को देखा है, क्या हमारे रसूल को देखा है, क्या हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, क्या नूरानी चेहरे वाले को देखा है? तो चरवाहे ने जवाब दिया कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारा नबी कौन है, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा रसूल कौन है, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा नूरानी चेहरे वाले कौन है, मुझे नहीं पता। वहां से बेकार से उस सहाबी रसूल आगे बढ़े तो कुछ देर के बाद उसी चरवाहे से मुलाकात होती है, तो उस चरवाहे ने कहा, ए सहाबी रसूल, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा नबी कौन है, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा रसूल कौन है, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा नूरानी चेहरे वाले कौन है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता जरूर है कि झाड़ी के पीछे कोई ऐसा फुट फुट के रो रहा है जिसकी दरबारी आवाज सुनकर मेरी बकरियां ने चरना बंद कर दिया है। कसम खुदा के मुसलमानों, उस सहाबी रसूल ने सोचने लगा, ऐसा कौन हो सकता है, हमारे नबी ही होंगे, हमारे रसूल ही होंगे, हमारे रसूल ही होंगे। वहां से सहाबी रसूल चरवाहे का शुक्रिया अदा किया और वहां से दौड़ पड़े। दौड़ने के बाद हमारे सरकार से मुलाकात हो जाती है, लेकिन क्या देखते हैं कि हमारे सरकार का सर मुबारक सजदे में झुका है। कसम खुदा के मुसलमानों, आप लोग ने बहुत से सजदे देखे होंगे, लेकिन हमारे नबी का सजदा इतना ही निराला है, हमारे नबी का सजदा इतना ही नटखट है, हमारे नबी का सजदा इतना ही अनोखा है। हर एक जमाने के लोग ने सजदा किया, तो सजदे में सुभान रब्बी अला पढ़ा, हजरत उस्मान ने बनी रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने सजदा किया, तो सजदे में सुभान रब्बी अला पढ़ा, हजरत उस्मान हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने सजदा किया, तो सजदे में सुभान रब्बी अला पढ़ा, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने सजदा किया, तो सजदे में सुभान रब्बी अला पढ़ा, हजरत ख्वाजा काजगा मुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अजमेरी में सजदा किया, तो सजदे में सुभान रब्बी अला पढ़ा, हजरत इमाम खाजा फाजिल बरेली ने सजदा किया, तो सजदे में सुभान रब्बी अला पढ़ा, किसी मुफक्किर का सजदा सुभान रब्बी अला, किसी हाफिज का सजदा सुभान रब्बी अला, किसी मौलाना का सजदा सुभान रब्बी अला, किसी तलबा का सजदा सुभान रब्बी अला, किसी हाफिज का सजदा सुभान रब्बी अला, किसी बच्चा का सजदा सुभान रब्बी अला, किसी नमाजी का सजदा सुभान रब्बी अला, किसी हाजी का सजदा सुभान रब्बी अला, किसी गाजी का सजदा सुभान रब्बी अला, किसी नमाजी का सजदा सुभान रब्बी अला, हमारा सजदा सुभान रब्बी अला, आपका सजदा सुभान रब्बी अला, इसका सजदा सुभान रब्बी अला, उसका सजदा सुभान रब्बी अला, कसम खुदा की नबी से लेकर के आज तक ने जिस लोग ने सजदा किया, तो सजदे में सब लोग ने सुभान रब्बी अला पढ़ा, लेकिन हमारे नबी ने, लेकिन हमारे नबी ने सजदा इतना ही निराला है, हमारे नबी का सजदा इतना ही अनोखा है, हमारे नबी का सजदा इतना ही अटल है। अरे जमाने के लोग ने सजदा किया तो सजदे में अपने रब को याद किया, लेकिन हमारे नबी ने सजदा किया तो सजदे में अपने गुनाहगार उम्मत को याद करके बांदा इलाह में अर्ज किया, रब्बी अबली उम्मती, रब्बी अबली उम्मती, रब्बी अबली उम्मती, यानी ऐ खुदा मेरे उम्मत को हमारे हवाले फरमा। नारे